विशेष अवसर मिला है और हम लोगों ने प्रभु यीशु के लिए अपना प्रेम दिखाने के लिए, उनसे करुणा और दया पाने के लिए ये 3 बजे के समय हम लोग यहाँ प्रभु के वेदी के सामने हम लोग उपस्थित हुए हैं। ऑनलाइन के ज़रिए अपने अपने घरों में, अपने अपने परिवारों में हम लोग इस करुणा रोजरी में भाग ले रहे हैं। सबसे पहले हम प्रभु को बुलाते हैं हमारे बीच में। प्रभु हमें प्यार करता है, उसकी करुणा, दया, अनुकंपा, इसकी हमें बहुत ज़रूरत है। आइए भक्ति भावना से इस प्रभु का परम प्रसाद में हम लोग स्वागत करें। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद, पिता परमेश्वर को धन्यवाद, पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा को धन्यवाद, पावन आत्मा को धन्यवाद। प्रिय भाई बहनों, 3 बजे के समय प्रभु को, प्रभु क्रूसित किए गए कलवारी पर्वत पर, उनको सलीब पर लटकाकर उनको यहूदियों ने और जनता ने और उनके जो विरोध करते थे उन सब ने मिलके हमारे प्रभु को मार डाला कलवारी पर्वत पर। यही समय था और ये 3 बजे के समय हम लोग प्रभु की
आराधना करते हैं, उससे एक रिश्ता जोड़ते हैं, उससे संबंध जोड़ते हैं, तो प्रभु हमें एक संदेश देता है। ध्यान दे दें, प्रभु क्या कहना चाहता है। जो प्रभु के लिए समय देता है तो प्रभु क्या कहना चाहता है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 7, तुमको अन्य सभी जातियों की अपेक्षा अधिक आशीर्वाद मिलेगा। तुम में कोई पुरुष या स्त्री अथवा तुम्हारे पशुओं में कोई नर या मादा निस्संतान नहीं होगा। अगर हम प्रभु को अपनाएंगे, उनके वचनों में चलेंगे, ये बातें हम में पूरी होंगी। प्रभु आगे कहता है, प्रिय भाई बहनों ध्यान दे दो, प्रभु तुमसे सब प्रकार की बीमारियों को दूर रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तुमसे सब प्रकार की बीमारियों को दूर रखेगा, ये विधि विवरण ग्रंथ में खुद प्रभु कहता है। और तुम पर भी भयानक महामारियां नहीं आने देगा। हालेलुया, हालेलुया। हम जीवित हैं, हम स्वस्थ हैं, प्रभु ने हमें बचाए रखा है, बीमारियों हमसे दूर रखी हैं और भयानक महामारियां प्रभु नहीं आने देगा, क्योंकि हम प्रभु को ये समय दे रहे हैं, प्रभु से हमारा रिश्ता है, संबंध है। जिनका अनुभव तुमने मिस्र में किया था वो उन्हें उन लोगों पर ढाहेगा जो तुमसे घृणा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। आइए भाइयों बहनों, हम लोग इस प्रार्थना में जुड़ जाएं, इस करुणा रोजरी में हम लोग जुड़ जाएं, हम प्रभु में जुड़ जाएं, हम प्रभु में लीन हो जाएं, प्रभु से हम लिपटे रहें, प्रभु से हम लिपट जाएं, क्योंकि प्रभु ने जो वादा किया है वो बीमारियों को आने नहीं देगा, आने पर भी बीमारियों को दूर करेगा, महामारियों को हमारे पास आने नहीं देगा। इसी विश्वास के साथ साथ ही साथ हमारा भक्ति और प्रभु के प्रति प्रेम दिखाने के लिए ये करुणा रोजरी में हम लोग भाग लेते हैं। प्रेरितों का धर्मसार, हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा घर में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतुस पिलातुस का शासन काल में दुख भोगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में, तेरे नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज जावे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्री में और धन्य तेरी गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्री में और धन्य तेरी गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्री में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे आदि में थे, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। आइए प्रभु के पांच गांवों पर हम मनन चिंतन करते हैं। प्रभु के सर से निकले हुए लहू, उनके बगल से निकला हुआ लहू जो है हमारे अंदर प्रेम भर दे। उनके हाथों से निकला हुआ लहू है, उस लहू के द्वारा हम दूसरों की सेवा करने में तत्पर हो जाएं, और दूसरों की सेवा और दूसरों पर दया दिखाएं। उनके पांवों से निकला हुआ लहू वो हमें पवित्र करे, साथ ही साथ बेसहारा लोगों को सहारा देने में हमें मदद करे। प्रभु का एक एक बूंद, उनके लहू का एक एक बूंद हमें पवित्र करे। आइए हम सारे संसार के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये सारे संसार का मुक्तिदाता है।
मनुष्य जाति का मुक्ति दाता है और ये हर एक मनुष्य को बचाने के लिए उसने अपने प्राण दिया है। जो भी इस पे विश्वास करता है उसको अनंत जीवन मिलेगा। संत यौहन के सुसमाचार अध्याय 3:16 और आगे हम लोगों ने यही पढ़ा है, जो भी उस पे विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाएगा, उसकी मुक्ति होगी। हम लोग पूरे विश्वास के साथ इस वेद को दोहराते हैं और कहते हैं, हम पर और सारे संसार पर दया कर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। अपने हाथ उठाएं, अपने आप को प्रभु में लीन करके, प्रभु से लिपट कर प्रभु से करुणा की याचना करें और दया के लिए प्रार्थना करें। हे इस सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। जो हाथ उठा सकते हैं हाथ उठाएं, जो घुटने टेक सकते हैं घुटने टेकें, इस करुणा रोजरी में भाग लें, प्रभु का स्पर्श पाएं, प्रभु से आशीष पाएं। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु का वचन हम फिर से सुनेंगे। जो लोग इस रोजरी में बाद में जुड़े हैं उनकी भलाई के लिए, साथ ही साथ हमारे अपने उद्धार के लिए, ताकि इन वचनों पर हम विश्वास कर सकें, ये वचन हमारे मन मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ दें, हमारे हृदय में वो प्रिंट हो जाए, ताकि ये वचनों पर हमेशा हम लोग मनन चिंतन करते रहें, प्रभु की कृपा पाएं। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 7 में प्रभु कहता है, प्रभु तुमसे सब प्रकार की बीमारियों को दूर रखेगा और तुम पर वे भयानक महामारियां नहीं आने देगा जिनका अनुभव तूने मिस्र में किया था। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करते हैं सब परिवारों के लिए, सब परिवारों के संरक्षण के लिए प्रार्थना करते हैं। आज लॉकडाउन के अवसर पर, एक कोरोना के समय, हर एक परिवार एक गिरजाघर बना है, हर एक परिवार एक चर्च बना है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से गिरजाघर बंद है, लेकिन ये प्रभु की योजना है, हर एक परिवार को वो एक अपनी चर्च, अपना गिरजाघर, अपना मंदिर बनाना चाहते हैं। ये प्रभु की ही योजना है, अपने परिवार को, अपने परिवार को हम लोग मंदिर बनाएं, एक चर्च बनाएं, जहाँ पे हम लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, प्रेम भाव से रहते हैं, मन में कोई एक दूसरे के खिलाफ कोई दोष नहीं है, जो भी बुराइयां हैं उसको सब दूर करें, एकमत होकर प्रार्थना करें। प्रभु ने कहा, जहां दो या तीन एकमत होकर मुझे पुकारते हैं, एकमत होकर। तो इसलिए मैं, प्रिय भाई बहनों, मैं इस पर जोर देता हूँ, हर एक परिवार एकमत हो जाए, हर एक परिवार एकमत हो जाए,
ये बहुत ही आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना करना समय बिताना नहीं है, प्रभु के हर एक वचन पर ध्यान देना है। एक मत होकर माने जो भी एक दूसरे के खिलाफ जो बुरी भावना है वो सबको छोड़ के, एक दूसरे के खिलाफ जो पाप की भावना और अपने आप में अहंकार घमंड की भावना, स्वार्थ की भावना और द्वेष है, नफरत है, ये सबको छोड़ के एक मत होकर प्रभु को पुकारें, प्रभु हमारी सुनता है। आइए हम सब परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हमको और सभी परिवारों को संरक्षण प्रदान कर, हमको और सभी परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। अगर हम हाथ उठा सकते हैं तो हाथ उठाकर या घुटने टेक कर दया के लिए विनती करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हमको और सभी परिवारों को संरक्षण प्रदान कर, हमको और सभी परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सभी परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सभी परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सभी परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हम तीसरा भेद छुड़ाते हैं और ये तीसरा भेद हम सभी रोगियों और कोरोना वायरस से पीड़ित, महामारी से पीड़ित, ब्लैक फंगस से पीड़ित और भी चिंताजनक जो रोग हैं, बीमारी है, इससे पीड़ित सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कोई भी रोग असाध्य नहीं है। प्रभु भले ही हमारे जीवन में असाध्य रोग आते हैं, असाध्य यानी कि इसके लिए जल्दी दवा नहीं मिलती है, डॉक्टर क्लिनिक अस्पताल हम बदलते रहते हैं लेकिन हम ठीक नहीं होते हैं क्योंकि असाध्य रोग है। प्रभु के लिए असाध्य रोग भी चंगा करना कोई बड़ी बात नहीं है। विश्वास से उसको पुकारें, विश्वास से पुकारें। वचन क्या कहता है सुने, वचन को सुनना बहुत ज़रूरी है, तभी हम चंगे हो जाते हैं। वचन को सुनना ज़रूरी है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 7 में पद संख्या 9 ये कहता है, इस पर विश्वास करें। इसलिए याद रखो, प्रभु कहता है, इसलिए याद रखो कि तुम्हारा प्रभु ईश्वर सच्चा और सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है, सच्चा है और जो कहता है वो करता है। जो लोग उसे प्यार करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं वो उनके लिए हजार पीढ़ियों तक अपनी प्रतिज्ञा और अपनी कृपाएं बना रखता है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से कहो हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। इन वचनों को फिर से सुनते हैं, बहुत अच्छे वचन है, इस पर ही विश्वास रखना है। जो मांगेंगे प्रभु दे देगा क्योंकि इस पर विश्वास रखना है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 7 में जिसके पास भी बाइबल हो इसको मार्क करके रखिएगा और जब भी आपको पढ़ना है इस पर इसे पढ़कर प्रभु में अपना विश्वास और भरोसा बढ़ाइए। इसलिए याद रखो कि तुम्हारा प्रभु ईश्वर सच्चा और सत्य प्रतिज्ञ है। जो लोग उसे प्यार करते और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं
वो उनके लिए हजार पीढ़ियों तक अपनी प्रतिज्ञा और अपनी कृपाया बना रखता है, अपनी प्रतिज्ञा और अपनी कृपा बनाए रखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम लोगों का अनुवाक्य है, सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर, सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर। दया के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं एक साथ। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर, सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर। प्रिय भाई बहनों, इस वक्त अगर कोई बीमार है और किसी बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, साथ ही साथ अपने अन्य कोई निवेदन है उसके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूँ, अपना हाथ उठाइए, अपना दो हाथ नहीं तो एक हाथ प्रभु की ओर इंगित कीजिए और प्रभु को अपना हाथ दिखाइएगा। प्रभु तुम्हारा हाथ देके विश्वास के साथ, मेरा भक्त जो है अपना हाथ उठा के मुझे पुकार रहा है, प्रभु तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा, बहुत सारे लोगों को चंगाई मिलेगी, चंगाई देने वाला प्रभु है, ये मेरा विश्वास है, मैं प्रभु का दास हूँ, ये मेरा विश्वास है, इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ, चंगाई पाना चाहते हैं अपना हाथ उठाइए। जो भी रोगी हैं, पीड़ित हैं, बीमार हैं, अपना हाथ उठाइए प्रभु की ओर, चंगे हो जाएंगे आप। और अगर रोगी नहीं उठा सकते हैं और वो लोग वहाँ नहीं है, आप हम लोग जो इसमें जुड़े हुए हैं, इस करुणा रोजरी में जुड़े हुए हैं, हम लोग अपना हाथ उठाएं उस व्यक्ति के लिए, प्रभु से निवेदन करते हैं। तो इसलिए पूरे विश्वास के साथ इस भेद को हम दोहराएं। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हमारा उत्तर है, सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर। बोलिए, सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर। प्रभु को एक गीत के द्वारा उसकी आराधना करें और प्रभु से करुणा और दया की भीख मांगे। से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, काफी
हालेलुया हालेलुया यीशु की स्तुति हो यीशु की स्तुति हो यीशु को धन्यवाद यीशु को धन्यवाद यीशु की स्तुति हो यीशु की स्तुति हो यीशु को धन्यवाद यीशु को धन्यवाद। चौथा भेद प्रिय बहन बहनों हम चढ़ाते हैं प्रभु को अर्पित करते हैं विशेष मतलबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए हमारे देश में शांति हो कानून और व्यवस्था हो प्रजातंत्र हो लोगों को अपना अधिकार मिले लोगों को न्याय मिले इंसाफ मिले और जो नाइंसाफ यानी कि अन्याय सह रहे हैं उनको प्रभु न्याय दे दे। हम प्रार्थना करते हैं पदस्टैंड स्वामी के लिए प्रभु उनको छूकर चंगाई दे दे और हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के नेताओं के लिए उनके परिवारों के लिए शासन प्रशासन के लिए उनके परिवारों के लिए। हम प्रार्थना करते हैं अस्पतालों के लिए और अस्पताल में कार्यरत सभी स्वास्थ्य विभाग और समाज के जो समाज सेवी हैं उनके लिए डॉक्टर्स सिस्टर्स नर्सेस और सभी कर्मचारी अस्पताल में जो कार्य कर रहे हैं और आजकल बहुत सारे शिक्षक शिक्षिकाएं स्वयं सेवक के रूप में आगे बढ़कर लोगों की कोरोना की महामारी की जांच कर रहे हैं उसमें मदद दे रहे हैं। प्रभु उनको महफूज रखे उनके परिवार को सुरक्षित रखे। जो लोग वैक्सीन लगाने में मदद कर रहे हैं और जो भी कार्य कर रहे हैं ये कार्य कर रहे हैं मानव जाति को बचाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं प्रभु प्रचुर मात्रा में उन्हें आशीर्वाद दे उनको बचाए रखे। हम सभी नेताओं के लिए हमारे देश के लिए और साथ ही साथ विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। भाइयों बहनों विश्व शांति की ज़रूरत है। राष्ट्र अपने घमंड की वजह से अहंकार की वजह से एक दूसरे का विनाश करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं जानते हैं ये सुंदर सृष्टि की रचना पिता परमेश्वर ने की थी और ये सुंदर सृष्टि की रचना ऐसे ही नहीं मानव के लिए की है क्योंकि इन सब चीज़ें बनाने के बाद ही उसने मनुष्य को बनाया। इन सारी चीज़ों की ज़रूरत सुंदर सृष्टि का इस पृथ्वी का एक एक इंच जो है मानव के लिए ज़रूरी है। खासतौर पर जैसे ऑक्सीजन की किल्लत पड़ रही है क्योंकि यही वजह है सृष्टि का विनाश हो रहा है राष्ट्र और मनुष्य सृष्टि का ईश्वर की सृजना का विनाश कर रहे हैं तभी ये परेशानियां महामारियां आ रही हैं और ऑक्सीजन की कमी हो रही है। हम प्रार्थना करते हैं विशेष तौर पर प्रभु पे वो अपनी दया दिखाए। आइए हम अपने देश के नेताओं के लिए अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं और हमारा अनुवाक्य होगा देश के सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर देश के सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। हाथ उठाकर दया के लिए याचना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट का दिव्य शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं
दुख भोग के द्वार नाम पर देश के सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर, देश के सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा देश के सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा देश के सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा देश के सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा देश के सभी नेताओं और नेताओं पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा देश के सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा देश के सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा देश के सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा देश के सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा देश के सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा देश के सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, देश के सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, देश के सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, देश के सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। वचन कहता है, इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। विधि विवरण ग्रंथ में अध्याय 6 में, इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। आइए, प्रभु ने कहा है, फसल तो बहुत है लेकिन फसल में काम करने वाले मजदूर थोड़े ही हैं, तो इसलिए प्रार्थना करो इस फसल के स्वामी से और मजदूरों को भेजें, और जो मजदूर हैं उनको सुरक्षित रखें। हम पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते हैं, पुरोहितों के लिए, धर्माध्यक्षों के लिए और धर्म संगियों के लिए, धर्म बहनों के लिए, धर्म प्रचारकों के लिए और सभी लोग धर्मियों के लिए, क्योंकि सभी लोगों को प्रभु ने बुलाया है और यीशु हमें बुलाता है। हम सब चुने हुए लोग हैं एक कार्य के लिए, पृथ्वी का नमक बनने के लिए और संसार की ज्योति बनने के लिए हम लोग सब चुने हुए हैं। हर लोक धर्मी, अयाजक वर्ग, हर एक बच्चा लोक धर्मी का प्रभु से चुना हुआ है, इज अनॉइंटेड, उसको अभिषिक्त किया है, क्योंकि बपतिस्मा के द्वारा पवित्र आत्मा उस पर उतर आया है और वो अभिषिक्त हुआ है, पवित्र तेल से उसको मला है, पवित्र तेल से इसको अभी अभ्यंजित किया है। तो हर एक बच्चा जो है अभिषिक्त है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हम सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कोरोना से, इस महामारी से पीड़ित हैं, प्रभु उनको चंगाई दे दे। हम प्रार्थना करते हैं फादर अशोक के लिए और फादर डोमिनिक के लिए, फादर डोमिनिक सेल्वराज और फादर अशोक अलेक्जेंडर, दोनों को प्रभु जल्दी चंगाई दे दे, उनका स्पर्श करे और उनको चंगा करे, उनको महफूज रखे, उनको सुरक्षित रखे। हम प्रार्थना करते हैं अन्य धर्म बहनों के लिए जो भी वेंटिलेटर में हैं, आईसीयू में हैं, अस्पताल में हैं और अपने अपने घरों में या कॉन्वेंट में आइसोलेटेड है, जो कोरोना से पीड़ित हैं, महामारी से पीड़ित हैं, प्रभु उनको चंगाई प्रदान करे। प्रार्थना करते हैं हम सभी धर्म प्रचारकों के लिए, अपने जीवन की परवाह किए बिना ये लोग कार्य करते हैं, ना केवल महामारी के समय, हर समय, क्योंकि इनके जीवन के लिए खतरा बनता है और ये लोग प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए घर घर जाते हैं, गांव गांव जाते हैं, अपनी जान अपने हथेली पे रख के जाते हैं,
लेकिन प्रभु इनकी रक्षा करता है। आज हम प्रार्थना करते हैं महामारी से इनको बचा के रख प्रभु, इनको भी महफूज रख, इनको सुरक्षित रख, इनकी परिवारों को भी तू, इनके परिवारों को भी तू प्रभु सुरक्षित रख। प्रभु हम सब लोक धर्मियों को, अभ्यंजित लोगों को, अभिषिक्त लोगों को, हर एक लोक धर्मी के अयाजक वर्ग के एक एक बच्चे को प्रभु, बड़ों को, बुजुर्गों को, परिवार के हर एक सदस्य को प्रभु हम तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु अपना हाथ बढ़ा दे। तूने कहा है कि हे ईश्वर, तूने कहा है कि हमारा नाम तूने अपने हथेली पे लिखा है, तो इसलिए इनकी सुरक्षा कर प्रभु, हम सबकी सुरक्षा कर। विशेष तौर पर हम प्रार्थना करते हैं हमारे बिशप स्वामी बिशप इग्नेशियस, उनकी माता जी के लिए, उनका ऑक्सीजन लेवल स्थिर हो जाए। प्रभु दया करके उन पर अपनी आशीष दे दे। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। प्रार्थना करना हमारा कार्य है, हम मांग रहे हैं प्रभु, देना तेरा काम है प्रभु। तू प्रचुर मात्रा में देगा, तू देगा और जरूर दे देगा, हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, ये हमारा विश्वास है। इसलिए इस विश्वास से हम ये चौथा वेद तुझे अर्पित करते हैं। हम लोगों का अनुवाक्य है, सभी पुरोहितों धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। सभी पुरोहितों धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हाथ उठाकर दया के लिए याचना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर सभी पुरोहितों धर्म संगियों और लोक धर्मियों पर दया कर। सभी पुरोहितों धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी पुरोहितों धर्म संगियों और लोक धर्मियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी पुरोहितों धर्म धर्मियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी पुरोहितों धर्म संगियों और लोक धर्मियों पर दया कर। आइए करुणा के लिए प्रार्थना करते हैं। ये विशेष प्रार्थना में हम लोग सम्मिलित हो जाएं। हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, आपके पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर, हम और हमारे माँ बाप, भाई बहनों, हमारे अधिकारियों और नेताओं के द्वारा जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा कर दे, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमें और हमारे परिवारों को और हमारी सब वस्तुओं का अभिषेक कर। आप हमें अपना बनाकर आपके पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कर। हम पवित्र हृदय के प्रति समर्पण विनती करते हैं। सब मिलकर इस प्रार्थना में भाग लेते हैं। प्रभु कहते हैं, हे प्रभु, तूने कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम सब थके मांदे हैं प्रभु, अलग अलग बोझ से दबे हुए हैं प्रभु, पाप के बोझ से,
चिंताओं के बोझ से, शैतान के चंगुल से और उसके बंधनों से बहुत सारे बोझ हमारे परिवार में है प्रभु। ये सब बोझों को तुझे समर्पित करते हुए हम तेरे निमंत्रण को स्वीकारते हुए अपने आप को, प्रियजनों को, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और सभी पुरखों को तेरे पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। हम सभी भाई बहनों को, विशेषकर सभी दीन दुखियों, निराश और हताश लोगों को, शराब एवं नशे की गुलामी में पड़े सभी भाई बहनों को तेरे पवित्र हृदय में अर्पण करते हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, तेरा पवित्र हृदय करुणा और प्रेम का सागर है। अपने पवित्र हृदय के अगाध प्रेम में हम सबको और हमारे प्रियजनों को डुबाने की कृपा कर। हम अपने हृदय के सभी पाप, घमंड, घृणा, क्रोध, गुस्सा, जलन, वासना, कठोरता एवं अन्य बुराइयों को तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। हमारे हृदय, मन, आत्मा, चेतन और अचेतन मन की सभी चोटों को भी तेरे पवित्र हृदय में चढ़ा देते हैं। हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र हृदय के असीम प्रेम से हमारे हृदय, मन, आत्मा, चेतन और अचेतन मन को भर दे और सभी अंदरूनी चोटों से हमें मुक्ति दिलाने की कृपा कर। हे अति मधुर यीशु, हम अपने शरीर के अंग अंग को जो कष्ट और पीड़ा एवं रोगों से ग्रसित है तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। हम अपने हृदय के हर डर, भय, घबराहट और अशांति को भी तुझे सौंपते हैं। तेरे पवित्र हृदय के अगाध प्रेम के मधुर स्पर्श से हमारे शरीर, मन, आत्मा के हर कष्ट और पीड़ा को चंगा करने की कृपा कर। पवित्र हृदय की स्तुति विनती। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हमारी विनती सुन, हे क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर, हे पिता परमेश्वर हम पर दया कर, पुत्र परमेश्वर दुनिया के मुक्ति दाता हम पर दया कर, पवित्र आत्मा परमेश्वर हम पर दया कर, पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर हम पर दया कर, यीशु के हृदय सनातन पिता के पुत्र के हृदय हम पर दया कर, यीशु के हृदय जो कुमारी मरिया के गर्भ में पवित्र आत्मा से बनाया गया हम पर दया कर, यीशु के हृदय जो सत्वता ईश्वर का शब्द है हम पर दया कर, यीशु के हृदय असीम प्रताप से युक्त हम पर दया कर, यीशु के हृदय ईश्वर का पवित्र मंदिर हम पर दया कर, यीशु के हृदय सर्वोच्च का तंबू हम पर दया कर, यीशु के हृदय परमेश्वर के भवन और स्वर्ग के द्वार हम पर दया कर, यीशु के हृदय प्रेम से जलती हुई अग्नि हम पर दया कर, यीशु के हृदय न्याय और प्रेम का भंडार हम पर दया कर, यीशु के हृदय भलाई और प्रेम से भरपूर हम पर दया कर, यीशु के हृदय सब गुणों के अथाह समुद्र हम पर दया कर, यीशु के हृदय सब प्रकार की स्तुति के अति योग्य हम पर दया कर, यीशु के हृदय सब प्रदेयों के राजा और केंद्र हम पर दया कर, यीशु के हृदय समस्त प्रज्ञा और ज्ञान के भंडार हम पर दया कर, यीशु के हृदय ईश्वरता की पूर्णता हम पर दया कर, यीशु के हृदय जिससे पिता अत्यंत प्रसन्न है हम पर दया कर, यीशु के हृदय जिसकी पूर्णता से हम सभी ने पाया हम पर दया कर, यीशु के हृदय धीरज और दया से परिपूर्ण हम पर दया कर, यीशु के हृदय प्रार्थना करने वालों का आसरा हम पर दया कर, यीशु के हृदय जीवन और पवित्रता का झरना हम पर दया कर, यीशु के हृदय अपमानों से दुखित हम पर दया कर, यीशु के हृदय जो हमारे पापों के कारण कुचला गया हम पर दया कर, यीशु के हृदय मरण तक आज्ञाकारी हम पर दया कर, यीशु के हृदय जो बर्चे से छेदा गया हम पर दया कर, यीशु के हृदय हर दिलासे का झरना हम पर दया कर, यीशु के हृदय हमारा जीवन और पुनरुत्थान हम पर दया कर, यीशु के हृदय हमारी शांति और मिलाप हम पर दया कर, यीशु के हृदय हमारे पापों की बलि हम पर दया कर, यीशु के हृदय तुझ पर आसरा रखने वालों की मुक्ति हम पर दया कर, यीशु के हृदय तुझ में मरने वालों का आसरा हम पर दया कर, यीशु के हृदय सब संतों का आनंद हम पर दया कर। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हे प्रभु हमें क्षमा कर, हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हे प्रभु हमारी विनती सुन।
हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे यीशु हृदय के कोमल और दीन, हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। हे यीशु हृदय के कोमल और दीन, हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। हे यीशु हृदय के कोमल और दीन, हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तूने हमें चुन लिया है, तूने हमें अभिषिक्त किया है, हमारा अभिषेक किया है प्रभु। हे प्रभु, तूने हमें अभ्यंजित किया है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। साथ ही साथ इस वक्त हम अपने आप को तुझे अर्पित करते हैं, अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। जो भी इस रोजरी में जुड़े हुए हैं प्रभु, उनको और उनके परिवारों को तुझे समर्पित करते हैं प्रभु। उनकी तो प्रार्थना सुन, हर एक की प्रार्थना सुन, और जो भी निवेदन है प्रभु, अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार उन सबको ये प्रदान कर। ये हम प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए परम प्रसाद में जो प्रभु यीशु उपस्थित हैं, जिन प्रभु को हम लोगों ने स्वागत किया था, बुलाया था और यहाँ पे इस वेदी पर रखा है, और प्रभु ने हमारा साथ दिया है, प्रभु हमारे साथ रहे हैं, प्रभु हमारे दिल में बस गए हैं, इस प्रभु की आराधना करते हुए इनसे आशीष ग्रहण करें। समर्पण है प्रभु यीशु, 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 समर्पण है प्रभु यीशु। अपने घर को, अपने जीवन को, अपने घर को, अपने जीवन को तेरे पास लाया हूँ, तेरे पास लाया हूँ, समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण सुखदाई। भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का, यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का, यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का, माटी का पुतला है, माटी का पुतला, कर लगे टूट जाए, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का, सुखा नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का, ये जीवन है फूलों की माला, ये जीवन है फूलों की माला, फूलों की माला है, फूलों की माला, फूलों की माला है, फूलों की माला, फूल लगे मुरझाए, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का, यीशु का नाम
सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का ये जीवन है कागज की नैया 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 कागज की नैया पानी लगे गल जाए भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का सबको जय यीशु की। शाम को फिर 7 बजे आराधना में हम प्रभु से जुड़ेंगे, तब तक आप लोग प्रभु में बने रहें।